वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। तो इस इन दिस ट्यूटोरियल हम देखेंगे ग्राफिक्स कौन कौन से हमें इसके अंदर मिलते हैं और ग्राफिक्स क्या काम करते हैं आपकी वीडियो में। और मैं कहता हूँ ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा किरदार और अहम किरदार अदा करते हैं आपकी वीडियो में, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है कैमटेशिया। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो जैसे ही आप अपनी लाइब्रेरी खोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आइकन्स, इंट्रोज, लोअर थर्ड्स, मोशन बैकग्राउंड, म्यूजिक ट्रैक्स, आउटरो। लाइक आइकन में जाते हैं तो बिल्डिंग्स के आइकन है, बिजनेस है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है। सम सपोज कर लेते हैं इंटरफेस का ले लेता हूँ, तो ये बैटरी का एक ग्राफिक्स है, आइकन है। आपने अपनी वीडियो में टाइप कह रहे हैं कि भाई मेरी बैटरी काफ़ी जल्दी लो हो गई, तो आपने इसके साथ में इसका साइन आपने चेंज कर लिया, तो इसको आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने कहना कि यार मेरी बैटरी लो थी, फिर मैंने आपको चार्ज किया। एक स्टोरी डेवलप करनी है हमने बेसिकली, तो पहले आपका आएगा ये वाला, फिर आपने लिया ये वाला। देखें इसका साइज इतना हमने छोटा बड़ा कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ये वही रहता है। तो यार देखते हैं हर किस्म का आपको आपको मोस्टली आइकन आपको यहाँ मिल जाएंगे। लो नहीं मिलेंगे आप वहाँ बाहर से मीडिया में इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। उसके बाद रहते भाई आपके सो ऑन ये आइकन से चलेंगे, डिलीट करता हूँ। पहले इंट्रो आ जाता है, कुछ इंट्रो इसके अंदर बने बनाए हैं, तो हमने इंट्रो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको एक या दो वीडियोस के बाद आपको बताऊँगा। काफ़ी हॉट आइटम है फाइबर के प्रो किस तरह से बनते हैं। तो कॉर्निक्स में हम जाते हैं सिंपली, इसको मैं यहाँ पे आके छोड़ता हूँ, जहाँ पे हमारा माउस तो एक दफा ना आपकी टाइमलाइन ठीक करता हूँ कंट्रोल ए से, और ठीक है अब हमारे पास सिर्फ ये है। और मैं ये फर्स्ट इंट्रो आपको लग दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा ये इंट्रो आपका प्ले हो गया। ये एक इंट्रो है, आपने काफ़ी जगह पे देखा भी होगा, तो इसको एडिट करना बड़ा आसान है। आपने डबल क्लिक करना है या फिर आपने यहाँ से ये देख सकते हैं हर लेयर ये वाली लेयर है, और फिर ये है, फिर ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से भी टेक्स्ट चेंजेस हो सकते हैं। और ये देखें अगर सपोज करें मैंने इसका बिहेवियर इसके ऊपर क्या काम हुआ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर फुल शेडिंग। अब ये टेक्स्ट के ऊपर बिहेवियर उसने जो चूज किया है वो है फुल शेडिंग। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो अभी देखिएगा कि क्या डिफरेंस है, अब वो चेंज हो गया। यानी कि सारी जो भी वर्किंग आपने की होगी या जो इसके ऊपर वर्किंग हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो विद डिफरेंट पिक्चर्स विद डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये ग्राफिक्स हैं और जो हम मिलते हैं डिफॉल्ट इसके साथ। लाइब्रेरी में जाते हैं, फिर और भी हैं, उसके बाद हमें लोअर थर्ड मिलते हैं। लोअर थर्ड भी काफ़ी अच्छा काम देते हैं, लोअर थर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है एक लोअर थर्ड, आपने मोस्टली वीडियोज में देखा होगा ये वाला, ये भी बड़े आराम से चेंज। योर नेम हेयर, ये आपने एक टाइटल दिया है कि How to edit video, और यहाँ पे कहना How to optimize your computer। तो आप यहाँ पे देख सकते हो optimize computer, और यहाँ पे कुछ और चीज़ देख सकते हो जो भी आपको लिखना हो, या सब्सक्राइब का कह दें, या हम लोग अपने वीडियोज में कहते हैं पॉपअप आता है, काफ़ी कुछ आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो लाइक। और मोशन बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड है एक फर्ज करें मैंने इसको यहाँ पे ले आया हूँ, और अब मेरे फुटेज है। अगर मैं कहूँ भाई तो मैं कुछ इंट्रो देता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मोशन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के ऊपर मेरे ये चलेगा लुक एट दिस, तो ये कुछ प्रीव्यू बन जाएगा आपके वीडियो का। तो ये भी इसके अंदर डिफॉल्ट में मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं काफी किस्म के। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहूंगा, ये स्पिनिंग काउंटर है, और ये आफ्टर इफेक्ट में बना हुआ है, ये आपको डिफॉल्ट मिलते हैं अभी। ये देखिएगा कि यहाँ पे एक आती है एनिमेशन भी, आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एनिमेशन सेक्शन में जाएंगे, फर्ज करें मुझे ये जो 5 है इसको मुझे जूम इन करके दिखाना है। लाइक ये जैसे जैसे वो उसका सर्कल बढ़ा हुआ है छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे वो जूम एंड पैन हो जाएगा। एनिमेशन आपने देखनी है तो यहाँ पर कस्टम एनिमेशन आप बना सकते हैं, या फुल ओपेसिटी वाली। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ, उसके लिए मुझे क्रॉप भी करना है, दो
लेयर्स के अंदर ये एनिमेशन आपकी लगेगी। Like that, इस तरह से बिहेवियर। अभी मैं जैसे कि टेक्स्ट लेता हूँ, मैं जाऊंगा एनोटेशन देखेंगे आप ऑल, बाकी आ जाते हैं। अब फर्ज करें आपने एक टेक्स्ट ले लिया ये वाला, और यहाँ आप सिंपल एक टेक्स्ट का भी ले सकते हो। एनोटेशन में जो होगा ना तो काफी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे एरो मिल जाते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के, आप एरो छोटा बड़ा घुमा सकते हो। इस तरह से आप एक क्लोक बना सकते हो, इसको ये बताऊंगा मैं आपको किस तरह से ये घूमेगा। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे ना, ये देखना यहाँ से घूमना शुरू होता ये, और अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊँ तो ये घूम रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ तो इस तरह से भी घूमेगा, यानी काफ़ी अच्छा इफेक्ट बनेगा क्लोक वाला अगर आप बनाना चाहो तो। और उसके बाद आ जाते हैं शेप्स, आ जाती हैं शेप्स हैं, शेप को फर्स्ट करें, मैं शेप को घुमाना चाह रहा हूँ तो ये शेप्स भी घूमेंगे देख लो। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी मिल जाती है हमें यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर। फिर जैसे ब्लरीनेस आ जाती है, अगर मैं ब्लर यहाँ लेता हूँ, कुछ चीज़ मैंने स्पॉट करनी है, फिर मैंने कोई हाईलाइट करनी है, फिर कुछ पिक्सलेटेड करनी है, तो काफ़ी कुछ मिल जाता है एनोटेशन के अंदर। आप एनोटेशन को अच्छे से चेक करोगे। ट्रांजिशन है इसके अंदर, फर्ज कर देते हैं मैंने ट्रांजिशन लगानी है इन दो क्लिप्स के दरमियान, ये दो क्लिप्स हैं और चेकबोर्ड वाली मैंने ट्रांजिशन लगा दी इनके दरमियान, तो ये कुछ इस तरह से अब लगेगी। ये ट्रांजिशन लगी, काफ़ी आसान है यार। ऑटो डायरेक्ट बिहेवियर हो गया, कर्सर इफेक्ट भी है कुछ इसके अंदर माउस के लिए, और क्या है ये विजुअल इफेक्ट्स आ जाते हैं। बॉर्डर्स लगाने हो आपने इसको तो ये बॉर्डर लग जाएगा, काफ़ी थिकनेस बढ़ानी है तो ये, और आप देख रहे होंगे तो थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ आप बॉर्डर आपको देखेंगे, ये वाले बॉर्डर लग गए हैं। कलर एडजस्टमेंट है, आपने इसका कलर छेड़ना है, इसको ब्राइटनेस कम करनी है, डिवाइस को फ्रेम लगाना है, ग्लो है, ड्रॉप शेडो है, जैसे जैसे आप छेड़ते जाएंगे आपको काफ़ी काफ़ी अच्छे टूल्स और फीचर्स देख के मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन दिस वीडियो हम यही बात करेंगे ग्राफिक्स की, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ ग्राफिक्स जो कि आपको डिफॉल्ट मिलते हैं आप बना भी सकते हैं। हम इंट्रो और आउट्रो की वीडियो को हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ग्राफिक्स कहाँ से लेने हैं अगर हमने इससे आउट ऑफ स्टॉक भी जाना हो तो। यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, कोई वेबसाइट बताऊँगा वहाँ पर आप जाके अपने ग्राफिक्स डाउनलोड कर सके, यहाँ पे आके इम्पोर्ट करोगे और उनको आप अपने इंट्रोज और आउट्रोज में यूज़ करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।